गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रितु कश्यप रीत। तो आज मैं लेके आई हूँ अगेन एक होम रेमेडी जिसका इस्तेमाल करके आपकी स्किन हो जाएगी बिल्कुल ग्लोइंग मेरी तरह। और हाँ, ऐसा लगेगा ना जैसे आपने ब्लेस किया हो। तो चलो देर किस बात की, ये बहुत ही आसान सा होम रेमेडी है। आप इस DIY को आराम से घर पे कर सकते हो और सारी चीज़ें ना बहुत आसानी से घर पे ही आपको मिल जाएगी, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर स्किन को ग्लोइंग क्यों ना बनाए, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है रितु कश्यप, मेरे चैनल का नाम है रितु कश्यप रीत। इसी तरह के DIY और मज़ेदार व्लॉग मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको समय पर देख सको। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और साथ ही कमेंट भी ज़रूर करिए ताकि आपके वैल्यूएबल कमेंट से मैं मोटिवेट होकर और भी इस तरह के वीडियोस बनाऊं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो मैं DIY बताने वाली हूँ उसमें हमें बहुत कम चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमें बीट रूट का पाउडर चाहिए। याद रखना है आपको, बीट रूट बिल्कुल भी नहीं चाहिए बल्कि उसका पाउडर इस्तेमाल करना है, क्योंकि बीट रूट में होता है कलर। अगर आप उसको लगाओगे तो आपके स्किन पे भी ना कलर चढ़ जाएगा। और बीट रूट के पाउडर का हमें फ़ायदा लेना है, उसका जो भी बेनिफिट्स है वो हमें हमारे स्किन को मिलना चाहिए, ना कि उसका कलर हमें चाहिए। तो हमेशा हमें पाउडर ही इस्तेमाल करना है। सेकेंड, हमें चाहिए मसूर दाल का पाउडर। मसूर दाल का पाउडर हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन को बहुत अच्छा स्क्रब करता है, स्किन में ग्लो लाता है। और मैंने इसके रिजल्ट ना बिल्कुल देखे हैं कि कैसे आपकी स्किन में शाइन आ जाती है, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है। उसके बाद हमें चाहिए गाय का दूध। गाय का दूध लगाने से स्किन में बहुत ज़्यादा टैनिंग की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती है। आपकी स्किन धीरे धीरे और ज़्यादा ग्लोइंग होती है, स्किन में निखार आता है, दाग धब्बे दूर होते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दूध भी चाहिए और साथ में चाहिए हनी, ताकि हमारी स्किन में ना मॉइस्चर मेंटेन रहे और स्किन बहुत ग्लोइंग दिखे। इस DIY को बनाने का तरीका तो मैं बताऊँगी, लेकिन उससे पहले बीट रूट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं उस पर थोड़ी एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। बीट रूट सन टैन को कम करने का भी काम करता है। अगर आपके स्किन में सन टैन है तो आप बीट रूट का पाउडर इस्तेमाल करो। आप देखोगे धीरे धीरे कैसे आपके स्किन में सनटैन की प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई है और आपकी स्किन की का जो कलर है वो और ज़्यादा बेहतरीन हो गया है, अच्छा हो गया है। डार्क स्पॉट्स को कम करने में बीट रूट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर आपके स्किन में भी डार्क स्पॉट है तो इसके अंदर होता है कैरेटिन और एंटीऑक्सीडेंट, जो डार्क स्पॉट्स को कम करने में बहुत हेल्प करता है। यह स्किन को हाइड्रेट भी करता है, तो हमें बीट रूट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अपनी स्किन के लिए। चलो अब इस DIY को रेडी करते हैं और देखते हैं कि इससे हमारी स्किन में किस तरह ग्लो आता है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, याद रखिए कि उन सब को पहले मैं खुद पे इस्तेमाल करती हूँ और जब मुझे उसका रिज़ल्ट मिलता है तभी मैं आपको बताती हूँ। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए और आराम से इसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप एक पैच टेस्ट ले लो, पहले उसको लगा के देख लो स्किन पे थोड़ा सा। अगर कोई भी इरिटेशन नहीं हो रहा तो ही आप इसको लगाना। लेकिन मैं गारंटी देती हूँ ना, ये इनमें ऐसी चीज़ें हैं जिससे किसी को किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। चलो हम इस पैक को रेडी करते हैं, इस DIY को रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और उसमें ले लिया है मसूर दाल का पाउडर। मसूर का दाल हमारी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इससे हमारी स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है, स्किन में कसाव आती है। तो आप मसूर दाल का पाउडर 1 चम्मच ले सकते हो। अगर आप चाहो तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो स्किन में आप टैन है, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको भी हटाने में मसूर दाल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैंने मसूर दाल का पाउडर लिया है, साथ में ले लिया है बीट रूट पाउडर। ये भी मैंने 1 स्पून लिया है। बीट रूट से हमारे स्किन में ग्लो आएगा, सन टर्न, डार्क स्पॉट्स दूर होंगे। उसके बाद मैंने ले लिया है कच्चा दूध। तो आप गाय का दूध अगर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसी क्वांटिटी में लो ताकि ये एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो गाय का दूध हमारे स्किन में ग्लो लाता है, जो भी हमारे दाग धब्बे होते हैं उनको दूर करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैंने ले लिया है यहाँ पे हनी। हनी हमारे जो स्किन में मॉइस्चर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आपने देखा ना, यहाँ पे मैं ले रही हूँ मसूर दाल जो स्किन में कसाव लाएगा, बीट रूट जो हमारे स्किन में ग्लो लाएगा, कच्चा दूध जो हमारे दाग धब्बों को हटाएगा, और साथ ही हनी लिया है जो हमारे मॉइस्चर को मेंटेन करके रखेगा स्किन में। तो एक ऐसा फेस पैक मैं रेडी करके आज आपको बता रही हूँ जो 4 तरह के बेनिफिट्स आपके स्किन में देगा और बिल्कुल आपके स्किन के ग्लो को मेंटेन करेगा, साथ ही या बैलेंस को बना करके रखेगा। तो इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा आपको पैक रेडी कर लेना है और इसे आपको 20 मिनट्स के लिए अपने स्किन पे लगा लेना है। अपने पूरे फेस पे आप लगा लो और बिल्कुल आराम से इसको छोड़ दो। उस समय आप कोई बातचीत मत करो क्योंकि मसूर का दाल ना कसाव लाता है, तो अगर आप उस समय बातचीत करोगे तो रिंकल्स पड़ सकते हैं। तो बिल्कुल चुपचाप से शांति से बैठिए और हाँ, आराम से उसको सूखने दीजिए। और जब ये अच्छे से बिल्कुल 20 मिनट लेकर के सूख जाता है, अपना प्रभाव आपकी स्किन पे डाल देता है, उसका जो भी बेनिफिट है आपकी स्किन को जब मिल जाता है 20 मिनट्स के बाद, फिर आप उसे बिल्कुल नॉर्मल वाटर से आप अच्छे से क्लीन कर लो। सबसे पहले तो अपने स्किन में ना कोई भिंगोया हुआ कपड़ा लेकर के आप उसको अच्छे से डैब डैब कर लो। उसके बाद फिर आराम से धीरे धीरे स्किन से हटाओ। इससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी, जो टैन है वो सब हट जाएंगे और एक अच्छा सा ना आपको ग्लो मिलेगा स्किन में और स्किन में एक बेहतरीन चमक आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये ना एक बहुत ही रामबाण वाला फेस पैक है। अगर आप इसको रेगुलर लगाते हो ना तो आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में आके बताओगे कि ये फेस पैक आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को आज का यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने ब्यूटीफुल कमेंट से मेरे कमेंट सेक्शन को भर दीजिए ताकि मुझे पता चले ना कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा। अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेलकम है। और हाँ, मेरा चैनल बिल्कुल फ्री है यार, तो इसको सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा देखो और हो सके तो शेयर भी करो ताकि बाकी लोग भी ना इसका बेनिफिट उठा सके। तो इसी तरह के मज़ेदार वीडियोज़ मेरे चैनल पर आते रहते हैं, DIY आते रहते हैं जिनका बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।